नमस्कार, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, जय भोले की। एक बार आपका फिर से स्वागत है एस्ट्रो विनीता के साथ। आज लेके आए हैं एक विशेष जानकारी आने वाले महासावन की। बेसब्री से इंतजार रहता है शिव भक्तों को प्रत्येक वर्ष सावन के मास का। भगवान शिव को विशेष प्रिय है ये सावन का महीना और कहते हैं कि इस महीने में की गई कोई छोटी सी पूजा भी विशेष फलदायी होती है। बहुत लोग नियमित रूप से भगवान को जल चढ़ाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। कब से प्रारंभ हो रहा है इस बार ये महीना? 21 जुलाई को रहेगी आषाढ़ मास की पूर्णिमा और 22 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है ये सावन का महीना। 22 जुलाई से शुरू होके 19 अगस्त तक रहेगा। 19 अगस्त को आप रक्षाबंधन का सभी लोग त्योहार मनाएंगे। और सबसे ज्यादा विशेष क्या है इस पर सावन में? सावन का प्रारंभ ही होने जा रहा है सोमवार से। सोमवार का दिन भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है। कुछ अद्भुत संयोगों के साथ आरंभ हो रहा है सावन के महीने का। उसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, आयुष्मान योग, प्रीति योग भी है, बन रहा है, जिससे जीवन में आने वाली समस्याएं अगर आप एक अच्छे विधि से पूजा पाठ करते हैं तो आपको कम होती नजर आएंगी। सावन के महीने में जब भी किसी भी वर्ष 5 सोमवार आते हैं तो उन्हें शुभ माना जाता है, उन्हें बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस बार भी सावन का महीना लेके आ रहा है 5 सोमवार। सावन के महीने का प्रारंभ भी सोमवार से होगा और जिस दिन रक्षाबंधन है उस दिन भी सोमवार रहेगा। और सोमवार की जो तिथियां रहेंगी वो रहेंगी 22 जुलाई, 29 जुलाई, 5 अगस्त, 12 अगस्त और 19 अगस्त। ये सभी 5 तिथियां सोमवार की हैं। कहते हैं सावन के महीने में भगवान शिव के साथ साथ माँ गौरी की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। सोमवार के व्रत के साथ साथ सावन का प्रत्येक मंगलवार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस दिन माँ मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। कहते हैं कि अगर किसी भी तरह की विवाह से संबंधित या विवाह होने के बाद अगर कोई परेशानियां आ रही हैं तो अगर हम इस व्रत को करते हैं तो वो परेशानियां दूर होती दिखती हैं। स्पेशली उन लोगों के साथ अगर ये परेशानियां हैं जिनकी कुंडली में किसी भी प्रकार का मांगलिक दोष है। सावन के महीने में बहुत छोटे छोटे उपाय लोग करते हैं, कुछ एक दो उपाय हम भी आपको बताना चाह रहे हैं कि सावन के महीने में आप एक तो भगवान शिव के साथ माँ गौरी का जरूर पूजन करें। प्रत्येक सोमवार शिवालय में पंचामृत से अभिषेक करें। प्रयत्न कीजिए कि डेली जा सके, अगर डेली नहीं जा सकते तो सोमवार को तो जरूर जाइए। सोमवार को पंचामृत से अभिषेक कीजिए। पंचामृत से अभिषेक करने से आपकी कुंडली में अगर कहीं किसी भी प्रकार चंद्रमा कमजोर हो रहा है, चंद्रमा क्या है? हमारा मन। अगर चंद्रमा की स्थिति कहीं भी कुंडली में कमजोर होती है तो मान के चलिए हमारी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती। किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, किसी को बहुत जल्दी परेशानी महसूस होने लगती है, रात को प्रॉपर नींद नहीं आती, किसी भी तरह की मन में सोच विचार बना रहता है और आप सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाते। तो एक छोटा सा उपाय कि सोमवार के दिन पंचामृत से शिवलिंग पे अभिषेक करना है, ये आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करता है। कहीं अगर कुंडली में राहु केतु कोई नकारात्मक दोष बना रहे हैं तो उस दोष को भी कहीं ना कहीं कम करेगा। सावन के महीने में मंत्र जाप का भी बहुत लाभ है। कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का प्रतिदिन जाप कीजिए। किसी भी तरह की परेशानी में आने पे इस मंत्र का जाप कीजिए। देखिए आपके जीवन में किस प्रकार आती है सुख समृद्धि। तो सावन का महीना हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में खुशियां लाए, समृद्धि लाए, आपके जीवन की सभी परेशानियां छोटी छोटी चीजों से खत्म होती नजर आए। कुछ भी नहीं तो एक नियमित रूप से सोच लीजिए कि ये पूरा महीना भगवान भोले बाबा को सिंपल सीधे तरीके से एक जल ही अर्पण करना है तो देखिए जीवन में चल रही परेशानियां किस तरह खत्म होती हैं। आगे आएंगे सावन के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी देंगे कि माँ मंगला गौरी का व्रत क्यों किया जाता है या हमें कावड़ किस दिन लेके जाना है, शिवरात्रि किस दिन मनाई जाएगी, सावन के महीने में क्या विशेष कर लें और क्या हमें नहीं करना चाहिए, किस दिन मनाया जाएगा रक्षाबंधन। इन सभी जानकारियों के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय माता दी।